अभी सबसे पहले तो आप जब भी रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपका ड्रेसअप पूरा फिट होना चाहिए। अभी आप लोग देख लो अविनाश तैयार हो रहा है अपना पूरा हैकल वगैरह सारा हैकल सीधा कर लो अविनाश। मतलब आप जब जैसे ही आप टेस्ट देने जाओगे तो आपका ड्रेसअप एकदम ए ग्रेड का होना चाहिए। तो आप पहले से आप प्रिपेयर करके खुद को आओगे, ठीक है। अभी आपको अविनाश किस तरह से रिपोर्ट करते हैं अच्छे से बताएगा ये, ओके। आएंगे और फिर यहाँ पे वो रिपोर्ट करेंगे। एक सेकंड अविनाश रुको, हिमांशु आप यहाँ पे चल दिए, राइफल को छोड़ दो वहाँ पे। जैसे आप देख लो इस तरह से आपको बताया जा रहा है स्टेप में कि मान लो कि जैसे आपको टेस्ट, हिमांशु यहाँ पे सामने में, अविनाश आप दूरी में रहो यहाँ पे सामने में। हाँ, जैसे हिमांशु हो गया आपका टेस्ट लेने वाला, जैसे ये सीओ साहब हो गया मान लो, या फिर कोई जेसीओ साहब आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो हिमांशु आपका टेस्ट ले रहा है कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा। भी होनहार कैडेट है तो आपको समीक्षा क्रम के थ्रू आना होता है टेस्ट देने के लिए। आपको फाइल में आप खड़े रहते हैं रैंक में, और सॉरी फाइल एक के पीछे होता है, हाँ रैंक में आप खड़े रहते और आपको उस तरह से ये किया जाता है, साइड में होता है ना, हाँ जाता है जो कि समीक्षा क्रम में होता है। तो अभी आपको जैसे ही कासन दिया जाएगा कि सामने से तेज चल, तो समीक्षा क्रम में आपको 14 कदम आना होता है। और अभी आप देख लो जहाँ पे हिमांशु खड़े हैं तो यहाँ पे आपके जो टेस्ट लेने वाले या सीओ साहब होंगे या फिर जेसीओ साहब, तो यहाँ पे खड़ा होते हैं मतलब बैठे रहते हैं और आपको यहाँ आके टेस्ट देना होता है। तो अविनाश चलिए शुरू कीजिए आप। आपको समीक्षा क्रम में उधर से चल के आना होता है, फिर आप वहाँ थमो के रिपोर्ट करते हैं। आप रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा, विश्राम हो जाइए अविनाश। अभी आप लोगों ने देखा इन्होंने किस तरह से अच्छे से एक एक आपको क्या क्या बोलना है वो सारा स्टेप इन्होंने बताया। सबसे पहले आपको रेजिमेंटल नंबर बोलना है और आपका आवाज़ काफ़ी तेज होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी आपका मार्क्स मतलब आपको कम नंबर मिलते हैं। तो आप ऊँची आवाज़ में कासन देंगे मतलब रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले रेजिमेंटल नंबर, फिर आपका रैंक होता है, आप कैडेट है तो कैडेट, एसीओ है तो एसीओ, ईओ है तो ईओ, या फिर जो भी आपका रैंक है। फिर उसके बाद आप अपना नाम बोलते हैं और फिर आप अपने बटालियन का नाम, और फिर आप बोलेंगे कि आपके समक्ष ड्रिल टेस्ट देने के लिए हाजिर हूँ श्रीमान। फिर आप सैल्यूट देंगे और फिर उसके बाद आपका कार्रवाई शुरू हो जाएगा। जो भी जेसीओ साहब लोग होंगे बगल में वो अपना शुरू कर देंगे जो आपका टेस्ट लेना होगा। तो ये आपका रिपोर्ट करने का तरीका हुआ।